नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नजमुल होदा। ये जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा प्रदेश जदयू कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दे पर। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन। अच्छा सर, गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते थे जी, लेकिन यहाँ से एनडीए की तरफ से भाजपा ने देवेश कांत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे आप जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे समस्त बिहार वासियों और सिवान जिला वासियों को और ख़ास करके 111 गोरियाकोठी विधानसभा के सम्मानित जनता को मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और अभी जो नवरात्रि का पर्व, पावन पर्व जो है भी हुआ है, उसके लिए भी मैं उन तमाम लोगों को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने जो सवाल किया, अब हम आपके सवाल पर आते हैं जी, कि गोरियाकोठी में जदयू का मैं प्रत्याशी था, जदयू की ओर से मेरी दावेदारी थी, लेकिन एनडीए ने भाजपा के पाले में यह सीट दे दिया, चला गया। तो देखिए, हम लोग एनडीए की परिवार के लोग हैं। मैं बार बार ये कहता रहा, उस समय भी मैंने कहा कि भाई हम लोग एनडीए परिवार के लोग हैं और ये प्रजातंत्र में हम लोग रहते हैं, तो उसमें हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है। पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के एक फ्रेमवर्क में हमारा ये अधिकार बनता था, अब बनता है कि मैं अपनी दावादारी या अपने ओर से मैं अपने पार्टी को ये बताऊं कि मैं भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हूं और जनता हमें चाहती है और हमें जनता अपने प्रेम और स्नेह देने के लिए तैयार है और वो जदयू पार्टी में और नीतीश कुमार में विश्वास रखती है। लेकिन अब ये था कि एनडीए गठबंधन के कारण ये सीट भाजपा को चला गया, तो हमें इसका कोई मलाल नहीं है कि जदयू को नहीं जाके एनडीए भाजपा को चला गया। जदयू पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप देवेश कांत सिंह को सर कितना सपोर्ट करेंगे? देखिए, जदयू और भाजपा का गठबंधन है जो राजग गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इसमें आज की तारीख में हमारी जदयू है, भाजपा है और वीआईपी है, और हम लोग तीनों मिल के हम लोग ये चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी एनडीए के प्रत्याशी हैं हम उनको पूर्ण बहुमत से जीत दिलावें। अच्छा सर, नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अभी वो सर स्थिति ये है कि लोगों के सामने बीच में जब जाते हैं वो वोट मांगने के लिए, तो उन्हें तरह तरह के लोग गालियों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए उन्हें भगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है, गरीबी समस्या है और इसके लिए नीतीश सरकार कुछ नहीं किया है, नीतीश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इस बेरोज़गारी के लिए, इस गरीबी के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई कोर कसर छोड़ा हो। हर सेक्टर में और हर विभाग में विकास हुआ है, और जिस विकास की आप बात कर रहे हैं या लोग, आप जैसा कि आपका, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मंत्रियों को गाली दिए जा रहा है या भगाया जा रहा है, लेकिन हम सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई जनता के विकास के लिए। अब उन योजनाओं को धरातल पे उतारना जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं उनका काम है। अब अगर कहीं कमी, कोई कोताही, कोई कुछ रह गई हो तो उसके लिए तो जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं उसके। महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो महागठबंधन ये चाह रहा है कि किसी भी तरह से हम भी जो है वो इस
ये जो मोदी और इसका नीतीश कुमार का की हवा जो चल रही है, जो लहर चल रही है, इस लहर में हम भी किसी तरह आ जाएं। बेरोजगारी की बात जो बार बार आ रही है, बेरोजगारी में आप ये कह रहे हैं, बेरोजगारी में 22 लाख लोगों को जो बिहार से बाहर लोग थे, प्रवासी जिसको कहा जाता, हालांकि हम लोग प्रवासी शब्द कहना ही बंद कर दिया, इसलिए कि प्रवासी कहना का अर्थ ये है कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। क्यों? ये हमारा भारतवर्ष एक भारतवर्ष है, ये अलग अलग राज्य हैं, लेकिन हम जो भी कहीं जा रहा है तो भारत में वर्ष में ही जाता है ना, तो उसको प्रवासी नाम से हम क्यों अपमानित करें, क्यों प्रवासी है वो, तो इसलिए प्रवासी हम नहीं कहते हैं। अब लोगों का आना जाना दूसरे राज्यों में है, बाहर से 22 लाख लोगों को यहाँ मंगाया गया, लाया गया, उनके खाते में 1,000 रुपया भेजा गया, यहाँ जो लोग थे उनके खाते में 1,00,000 भेजा गया, 25 लाख लोगों का वो राशन कार्ड बना, और उनके और उनको जो है प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से अनाज और 1 किलो चना दाल या चना दाल उनको दिया गया। इसके अलावा जनधन योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की जी की तरफ से उनको 500 रुपया जो है उनके खाते में आया। तो ये सारी सुविधाएं जो दी गई ये बिहार के ही लोगों को दी गई। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ जो लोग आए उसके लिए उनके वो जिस फील्ड में उनका स्किल डेवलपमेंट है या जो भी स्किल हैं उसके लिए यहाँ पे उनको यहाँ 2.5 लाख लोगों को रोज़गार दिया गया, और बाकी जो लोग हैं उसके लिए उनको जो है वो रोज़गार के लिए सस्ते ऋण पर उनको सस्ते ब्याज पर ऋण देने का काम किया सरकार ने। तो सरकार ने कहीं से भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा है बेरोजगारियों को, बेरोजगारी दूर करने के लिए और बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार से लगाने के लिए। सर महिला पहली बात यह कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं आपको बता दूँ कि बिहार राज्य इस देश का पहला राज्य है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में और में 50% आरक्षण दिया। अच्छा, और इस आरक्षण से फायदा ये मिला कि आप देखिए कि हमारी माएँ बहनें आज आपको प्रमुख भी मिलेंगी, आज आपको मुखिया भी मिलेंगी, सरपंच भी मिलेंगी, वार्ड भी मिलेंगी, सब मिलेंगी। तो ये बिहार ही राज्य ऐसा राज्य है कि जिसने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी हो जाए? अब मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आप जो बात हमसे कहना चाह रहे, पूछना चाह रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब रह गया सुरक्षा की बात, आप ये बताइए कि एक दो का जो घटनाएं यहाँ बिहार में कभी घट गई हैं, अच्छा, इससे पूरे बिहार के उसमें तो इस बात को नहीं उठाना चाहिए। अच्छा। ये मैं नहीं समझता हूँ कि न्याय संगत है कि एक दो घटनाओं को छोड़ के बाकी पूरा राज्य, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक महिला इतना अपने अंदर सशक्त है कि वो कहीं से भी कहीं भी अकेले ट्रेवल कर सकती है। अच्छा। और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई छू दे। सर गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं जी, यहाँ सर आपको क्या लगता है कि अभी क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि होनी चाहिए और नहीं है? NDA सरकार में, NDA गठबंधन में है और 15 वर्षों से हमारी सरकार यहाँ रही है। हमारे JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश बाबू जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके नेतृत्व में सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं, बहुत अच्छे जो है वो काम किए हैं, हर क्षेत्र में किया है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है मैंने, और मैं अभी भी बोलता हूँ, और सरकार से भी मैं ये सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ इस ओर कि जो मूलभूत सुविधाओं की आप बात करते हैं उसमें सबसे पहले हम कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं। ये क्षेत्र हमारा, अच्छा, ये क्षेत्र हमारा गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीछे है जी। इसका कारण क्या है? मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा जहाँ तक स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं में भी हम पीछे रह गए हैं जी। अब इसका कारण मैं आपको बता दूं, कारण ये है कि गोरियाकोटी क्षेत्र में जितने भी विधायक अब तक के विधायक या जनप्रतिनिधि हुए हैं वो बाहर से ही आए हैं। अच्छा, लोकल यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि या विधायक नहीं हुए, जिसकी वजह से उनकी उदासीनता रही और इसी उदासीनता के कारण ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पे धरातल पे नहीं उतर पाई। सरकार ने हर सुविधाएं यहाँ पे दी,
सरकार ने ये कहा कि हर पंचायत में 10+2 स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतलब नजर नहीं आता है। कहना है कि यहाँ के प्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से ये सारी मूलभूत बिल्कुल प्रतिनिधि की उदासीनता के कारण यहाँ पे जो है आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मेरा ये मतलब हकीकत है। अच्छा। आरोप नहीं, हकीकत है। सर, आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज के आप नेता हैं सर जी, तो अल्पसंख्यकों को आपसे काफी उम्मीद भी है। बिल्कुल जी। तो इस क्षेत्र में हम देखें अगर, तो आप यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके विकास के लिए सर आप क्या करना चाहेंगे, या फिर आपके जो प्रतिनिधि हैं जो इस वक्त चुनावी मैदान में हैं देवेश कांत जी, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सर आप उनके मदद से यहाँ के अल्पसंख्यकों को क्या मदद पहुँचाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी। पहली बात ये है कि इस क्षेत्र में हमारे 111 गोरिया कोठी क्षेत्र में 87,000 रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटर्स हैं, अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, जिसमें करीब करीब हम समझते हैं कि 50,000 से 55,000 जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो परमानेंट वोटर्स हैं और यहाँ वोट डालते हैं। अच्छा, तो इस क्षेत्र में 55,000 से 60,000 जो वोटर हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए कि एक बड़ी संख्या है जी, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब रह गया के मूलभूत सुविधाओं के लिए, तो हमारी ये प्राथमिकता होगी कि अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए के फलाह बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं बनी हैं या बनेंगी, उसको धरातल पे उतारा जाए और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ हैं आएंगे चुनाव के बाद उनको हम लोग बताएंगे कि ये और मैं उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि वो इन सब समस्याओं को सुनेंगे और यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज की समस्याएं हैं उसको दूर करने की वो पूरी कोशिश करेंगे और उसमें हम लोग उनके कंधे से कंधा लगा के हम लोग उनके साथ चलने को तैयार हैं जी। दूसरी चीज़ ये है कि एक और चीज़ देखिए, जहाँ तक अल्पसंख्यक के बारे में हमको ज़रा सा मैंने हम दो मिनट के समय आप हमको दीजिए ताकि मैं उनको बताऊँ कि अल्पसंख्यक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अल्पसंख्यकों के बारे में जो सुविधाएं दी गई हैं वो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को पता ही नहीं है। ये इसमें कहीं ना कहीं मैं सरकार को भी ये कहता हूं कि उनको जो है इसके प्रचार और प्रसार के माध्यम से ये चीज़ें और ये योजनाएं उनको बतानी चाहिए, या फिर हमारे जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है जिसके जो सरकार जो है वो बना के रखा है, हमारे वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो अफसर लोग हैं उनकी कमी है। जिला में हमारे जो अल्पसंख्यक वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो अफसर यहाँ बैठते हैं उनकी कमी है कि वो लोग उन योजनाओं को जनता तक पहुँचाते ही नहीं हैं। अच्छा, जिसके कारण हमारे आम जनता को, एक तो आप वैसे ही जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय में ज़रा शिक्षा की कमी है, तो जब तक के उनके बारे में कोई योजना, जो भी योजना सरकार की, सरकार ने कम से कम मैं समझता हूँ कि 72-73 योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बिहार में बनाई, लेकिन वो सारी की सारी सुविधाएँ शहरों में तो कुछ लोगों को मिल जाते हैं ये, लेकिन इसलिए कि वो लोग जागरूक हैं, लेकिन देहातों में एक बड़े तादाद में जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको इन सुविधाओं के बारे में, योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, तो नहीं पता है तो वो कैसे उसका लाभ लेगा? तो ये दायित्व तो जिसको दिया गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसने वो कभी ऐसा करता ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि कभी ना कहीं ना कहीं इसमें हमारे जनप्रतिनिधि वो भी संलिप्त हैं कि वो उनकी उदासीनता है, और जो हमारे यहाँ पे अफसर हैं उन लोगों के अंदर भी उनकी भी उदासीनता है कि वो सिर्फ आते हैं अपने दफ्तर में बैठे और वहाँ से चले गए। अच्छा, उनको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।